शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां। नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में और उनको जो अपने क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके समाधान के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स भी बहुत दी जाती हैं, लेकिन फिर भी प्रदर्शन जो है, जो परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं उतना नहीं हो पाता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन, ये राजयोग मेडिटेशन क्या चीज है और कैसे इसको हम अपने स्पोर्ट्स में, गेम्स में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज के स्पोर्ट्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भ्राता जगदीप भाई। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स बहुत दी जाती हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स को, और हम देखते भी हैं पैसा भी बहुत खर्च किया जाता है, ट्रेनिंग्स भी बहुत दी जाती हैं, उस क्षेत्र से संबंधित नॉलेज भी बहुत दी जाती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जो खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस है वो उतना नहीं हो पाता, रेशियो जो है वो बहुत कम निकल पाती है। ऐसे में एक शब्द आता है जिसका हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था, मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन। तो राजयोगा मेडिटेशन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में कितना अंतर ला सकता है? मैंने पहले भी जैसे बताया कि स्पोर्ट्स में काफी पार्टिसिपेट किया था, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, शूटिंग, नेशनल लेवल पे काफी मेडल्स भी लिए, तो वहां जो ट्रेनिंग कराई जाती थी और वो मैं देखता था कि हठ योगा और राजयोगा, तो इनमें मैंने डिफ्रेंशिएशन वहां जाकर के सीखा। जैसे ही मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो मैंने देखा कि राजयोगा मेडिटेशन इतना इफेक्टिव है, जिसके अंदर साइकोलॉजी भी आ जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी आती है, और आपकी जो माइंड पावर, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, वो सारी चीजें इसके अंदर आई हुई। इसी क्यूरियोसिटी को लेकर के मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो NIS पटियाला है जी, वहां से इसका कोर्स भी किया, सर्टिफिकेट कोर्स होता है योगा का, ताकि मैं थोड़ा और गहराई से समझूं कि हठ योग और राजयोग हाउ दे आर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस। फिर वहां स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से भी बात की, तो हमने देखा कि स्पोर्ट्स के अंदर, खासकर एक हमारे एथलीट थे रॉजर बैनिस्टर फ्रॉम UK जी, तो दुनिया का कोई भी एथलीट एक मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय नहीं कर पा रहा था। बहुत लोगों ने प्रयास किए, इवन यूनान में तो इतना भी कोशिश किया गया है कि जंगली जानवरों को एथलीट्स के पीछे छोड़ा, ताकि वो डर के और इतना तेज भागें कि मतलब ये बैरियर ब्रेक हो जाए। जब काफी कोशिशें करने के बाद इवन फिजियोलॉजिस्ट ने भी ये सोचा कि शायद हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसी है कि इतना तेज नहीं दौड़ सकते, तो एक एथलीट हुए थे रॉजर बैनिस्टर, उन्होंने दुनिया को चैलेंज किया कि मैं ये जो बैरियर है इसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो इन May 1954 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में उन्होंने ये कहा कि मैं आई विल ट्राई फॉर दिस। तो जब उन्होंने 1 मील की दूरी दौड़ना शुरू की तो ही क्लिक 3 मिनट 59 सेकेंड्स, और दुनिया की प्रेस वहां पे इकट्ठी हो गई और उनको उन्होंने पूछा कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो तब उन्होंने बताया कि मैं अपने मन ही मन के अंदर ये विजुलाइज करता था कि मैं उस ग्राउंड के अंदर इतना तेज दौड़ रहा हूं कि आई हैव ब्रोकन दिस रिकॉर्ड। तो जब ऐसा हुआ तो उसके एक साल बाद दुनिया के 100 एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने वो दूरी मतलब 4 मिनट से कम में तय करके दिखाई।
वहां से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत सीरियसली ये मेंटल पावर ट्रेनिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मतलब वहां से ही सीरियसली लिया इस विषय को। एक क्वेश्चन मुझे अभी आ रहा है कि ये जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है और मेडिटेशन है, इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे मैं आपको वो बता रहा था इंसिडेंस कि कैसे वो एक साल के बाद 100 एथलीट्स थे और दो साल के बाद और भी 300 से ज्यादा एथलीट्स ने वो ब्रेक किया। तो पहले क्या था कि पहले फिजिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे जी, फिर धीरे धीरे मेंटल ट्रेनिंग आया, फिर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग आया, उसके बाद इमोशनल कोशेंट ट्रेनिंग, और अब हम लोगों ने राजू का मेडिटेशन इसकी ट्रेनिंग के द्वारा रिजल्ट्स प्राप्त किए। कई बार हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा टर्म्स को, साइकोलॉजिकल टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं क्या? कोई 10वीं पास है, कोई ग्रेजुएट है, कुछ गांव के बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या होता है कि जब हम वो ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, समझ में नहीं आ पाता। और यहाँ राजू का मेडिटेशन में ट्रेनिंग इस तरह से डेवलप की गई है कि चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, कितना भी उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड हो, जी, जी, जी। तो वो इस भाषा को समझ लेता है, क्योंकि हम ध्यान में बैठाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि भाई कैसे आप पॉजिटिव सोचना है और अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है। तो वो पॉजिटिव बातें क्या करनी होती है? पॉजिटिव बातों के बारे में हम उनको कुछ अफर्मेशंस देते हैं पार्टिकुलर गेम के लिए। जैसे चार तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, लाइट स्पोर्ट्स, मीडियम स्पोर्ट्स, हैवी स्पोर्ट्स, एंड्योरेंस स्पोर्ट्स। तो हर एक के लिए फिजिकल एफर्ट्स अलग अलग हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, तो उसके अंदर आपको कैसे विजुलाइज करना है, कहाँ उसको सोल कॉन्शियस होकर के और उस बास्केट के अंदर फोकस करना है व्हेन यू आर थ्रोइंग द बॉल। क्रिकेट है, उसमें कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो आपको मतलब फोकस करना है मिडिल स्टंप के ऊपर। तो वो जब हम फोकस करके बॉलिंग करेंगे तो हमारा जो उसका बहुत इफेक्ट आएगा, तो वो हम राजू का मेडिटेशन में विजुलाइज उनको कराते हैं। तो इससे क्या है कि प्लेयर्स इजीली ग्रैस्प कर लेते हैं। इसके अलावा उनका जो पर्सनल लाइफ है, मतलब उनकी डे टू डे लाइफ कैसी है, कितना वो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, कितना टाइम वो फ्रेंड सर्कल में डिवोट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने राजू का मेडिटेशन में पूरा एस्पेक्ट ले लिया उनका, उनका अपना पर्सनल लाइफ, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है जी, उनका खान पान कैसा है, उनकी पॉजिटिव सोच है या नहीं। और आप जानते हो कि बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती हैं जी, पॉलिटिक्स इतनी है, टीम मेंबर्स ही खुद एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जालसी, ईर्ष्या है, कंपटीशन की भावना है, एक दूसरे को डाउन करने की भी कई बार सोचते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर हम रेस्पेक्ट रखें एक दूसरे प्लेयर्स को और अपने देश को सामने रखें कि भाई मुझे देश के लिए खेलना है, अभी मैं अपने स्टेट को, अपनी जाति को, अपने समाज को भूल जाऊं, अभी मेरे सामने सिर्फ टारगेट मेरा कंट्री। तो ये चीजें, देश की भावना, हम उस राजू का मेडिटेशन में भी इंक्लूड करते हैं। तो कई बार होता है जैसे हम एक्चुअली गेम हमारी स्टार्ट होने वाली है और जो खिलाड़ी है उस समय बहुत टेंशन में महसूस कर रहे होते हैं, कहते हैं कि पता नहीं अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत सारी तैयारी, लेकिन जब वो गेम स्टार्ट होने वाली है कुछ मिनट्स पहले, तब उनका जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो अचानक डाउन होने लग जाता है, क्या किया जाए फिर? इसका अभी एग्जांपल मेरे साथ, जब मैं हंगरी गया था जी, तो एक बॉडी बिल्डर थे जो स्टेज के ऊपर जाने वाले थे, तो मैं जैसे ही उस ड्रेसिंग रूम में वहां पहुंचा जहां वो तैयार हो रहे थे, तो मैं जैसे ही अप्रोच करने लगा तो ही सेड सर अभी मेरा कॉम्पिटिशन है, अभी प्लीज आप बात ना कीजिए। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो पीछे से प्रेमचंद डेगरा जी जो मुझे वहां लेके गए थे टीम के साथ जी, तो उन्होंने उस बॉडी बिल्डर को बताया कि भाई मैं इनको इसीलिए लाया हूँ ताकि आपको रिलैक्स करना है, आप स्टेज के ऊपर जा रहे हो और इतना माइंड में प्रेशर लेके जा रहे हो, तो देन इट इज नॉट गुड। मैंने फिर उससे बात करना शुरू किया, मैंने कहा ब्रदर अभी आप ये भूल जाओ कि दैट यू हैव कम फॉर द कॉम्पिटिशन, राइट, आप पूरा ये सोचो कि मैं एंजॉय करने आया हूँ और आई एम ऑलरेडी ए वर्ल्ड चैंपियन, मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए स्टेज पे जा रहा हूँ और जो भी वहां जजेस बैठे होंगे आप उनको 10-10 सेकेंड हर एक को ऐसे देखना, मैंने उनको ये थोड़ा सा, मैंने कहा आप यू जस्ट लुक एट द फोरहेड। तो पहले क्या होता था, उनसे थोड़ा सा वो नजर बचाते थे जी,
जब तक वो स्टेज के ऊपर चढ़ने गए तब तक मैं उनके साथ रहा और उनसे थोड़ी लाइट बातें करना, कुछ कॉम्पिटिशन के बारे में थोड़ी सी बातें करना। तो ऐसे करते करते ही बिकेम वेरी रिलैक्स्ड। और वो भाई 4 महीने पहले वो कॉम्पिटिशन को बोला, मैं तो अभी संन्यास ले रहा हूँ, मैंने बहुत ट्राई कर लिया और मुझे कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मैं अभी लास्ट टाइम है। तो हम लोगों ने जैसे तैसे उसको कन्विंस किया कि भाई आप एक बार और ट्राई करो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो स्टेज पे था ना तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। और उससे पहले क्या होता था कि जैसे ही जज ने कहा कि आप यू शो योर बाइसेप्स, वो सुनने में कुछ और डिले हो गया, वो कुछ और मसल शो कर रहे हैं। अच्छा, तो वो मार्क्स कट जाते थे उनके वहां। और इस टाइम इतना अच्छा रिजल्ट रहा और वापस आने के बाद वो कहने लगे कि भाई जी मैं तो बिल्कुल नर्वसनेस हुआ ही नहीं इस बार जी। सो दिस इज ए सीक्रेट कि जब भी आप गेम में जाएं तो अपने आप को रिलैक्स रखें, बिल्कुल, एंड डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। ये होता है कई बार, हमने चलिए गेम स्टार्ट होने से पहले अपने को रिलैक्स कर लिया, लेकिन जब हम गेम खेल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल का है, क्रिकेट का है, कोई भी हो सकता है, टेनिस हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, लगातार आपको लग रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, उस टाइम पर भी इन बिटवीन माइंड जो है बड़ा अपसेट होने लगता है कि मुझे लगता है कि अब मैं बाकी बचे हुए मैच में नहीं कर पाऊंगा, उस टाइम पर भी जो है वो रिलैक्सेशन हमारी खत्म हो जाती है, फिर कैसे किया जाए? ये जो राजू का मेडिटेशन है, इसके अंदर जो हम उनको प्रैक्टिस करने के लिए बताते हैं, एक तो दो चीज होती है कि भाई एक तो आप अपने आप को सोल कॉन्शियस विजुलाइज करें कि आई एम ए पावरफुल सोल एंड आई एम विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा होता है एंजेलिक स्टेज। एंजेलिक मीन्स कि दिस माय बॉडी इज मेड अप ऑफ लाइट एंड माइट, इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। ओके, तो जब ये हम अभ्यास करते हैं तो जिस चीज के बारे में हम बार बार सोचे जा रहे हैं तो वहां से हमारी जो मेंटल कनेक्शन है वहां से टूट के और अपने सेल्फ के ऊपर आ जाता है। तो सेल्फ के ऊपर आने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जी। तो खेलते टाइम अगर आप ये विजुलाइज करेंगे कि मैं एक एंजल हूं या मैं एक फरिश्ता हूं तो आपके अंदर इमेंस पावर आ जाती है। इज इट ट्रू? या काफी इवन आपने प्रैक्टिस कराया है कभी किसी को? प्रैक्टिस मैं खुद एक बार साइन में 1993 में नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप थी, मुझे 2 ही साल हुए थे सर्विसेज टीम में, सर्विसेज टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 100 किलोमीटर रेस थी। तो जब 25 किलोमीटर पहुंच गए तो आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड। ओके, तो मुझे लगा कि जैसे मैंने यहाँ मेडिटेशन सीखा था तो मैंने फोकस किया व्हील के ऊपर कि जैसे व्हील को देखते गए और साइकिलिंग करते गए और साथ के साथ फील किया कि मैं एक जैसे एंजल हूँ और एनर्जी मुझे सुपर कॉन्शियस माइंड से आ रही है और मेरे अंदर समा रही है। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि कब मैं 90 किलोमीटर को क्रॉस करके एंड आई वॉज अबाउट टू रीच। और ये चीज मैंने एक बार शूटिंग में प्रैक्टिस किया जी। शूटिंग चैंपियनशिप थी हरियाणा स्टेट की, तो रमेश चौधरी अभी जो सिल्वर मेडल लेके आए हैं एशियन गेम्स के अंदर जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जगवीर भाई हम आपके कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे लेकिन अभी ये कंपटीशन हो रहा है तो आप ऐसे करो आप भी अपना फॉर्म भर दो। मैंने कहा सर मुझे तो काफी टाइम हो गया है एयरफोर्स को छोड़े हुए, मुझे तो अभी प्रैक्टिस भी नहीं है जी। बोला इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो एयर राइफल शूटिंग थी और 10 मीटर की, उन्होंने एक राइफल बोरो की मेरे लिए, 1 बजे से पहले ही मेरा मतलब कंपटीशन का नंबर था और 3 बजे मुझे ट्रेन कैच करनी। मैंने हर शॉट ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा फ्यू सेकंड्स विजुलाइज किया कि जैसे शक्ति आ रही है और एकदम बिल्कुल बुल टारगेट के ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते मैंने 40 शॉट ऐसे किए और वो फिनिश करके, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी और फटाफट वापस आ गया ट्रेन स्टेशन, ट्रेन पकड़ी। बाद में मुझे पता चला सेकंड डे कि दे गेव मी द फर्स्ट पोजीशन इन माय कैटेगरी। बहुत अच्छी बात है ये थी। उसका मैंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आपको लगता है कि मैं नर्वस हूँ या मेरे अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हैं माइंड के अंदर, तो हम अपने आप को जस्ट ऐसे विजुलाइज करें कि आई एम ए स्टार एंड आई एम विद फुल ऑफ एनर्जी। एंजेलिक बॉडी जो आपने बताया अभी, एंजेलिक बॉडी व्हेन यू आर प्लेइंग द टीम गेम, जैसे मान लो बॉल आगे चली गई है गोल पोस्ट के पास है और आप बैक में खड़े हुए हो तो आई फील दैट आई एम एन एंजल एंड आई एम वेरी लाइट। तो जैसा हम थॉट्स देते हैं वैसी हमारी स्थिति हो जाती है।
अगर आपने थॉट दे दिया अरे गोल नहीं हो रहा, अब क्या होगा, टाइम भी होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल तो जब हम प्रेशर बना लेते हैं अपने माइंड में तो वो फिर हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो तो ये जाती जो एंजेलिक बॉडी का आपने जिक्र किया है, तो इसका क्या हमको पहले से ही प्रैक्टिस करना चाहिए? बिकॉज मुझे नहीं लगता एकदम से इंस्टेंटली आप ऐसा अपने आप को विजुलाइज कर सकते हो। है। नहीं, इसके लिए थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग लेना होता है। जैसे मान लो 3 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है। यूजुअली हम लोग कैंप्स में फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की ट्रेनिंग रखते हैं। तो उस ट्रेनिंग में उनको पहले तो बेसिक्स बताते हैं कि माइंड की साइंस के बेसिक्स क्या है, जी फिर उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कराते हैं थ्रू कमेंट्री, क्योंकि कमेंट्री से वो रियलाइज करते हैं कि मुझे कैसे इस यहाँ से जा करके धीरे धीरे ग्राउंड में जाना है, अपना गेम खेलना है, फिर गेम खेल के वापस आ रहे हैं। अगर वो 2-3 महीने पहले इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमने देखा है कि थोड़ा सा इसमें फेथ होना चाहिए ट्रेनिंग में और लगन भी होनी चाहिए। जी। और ये भी होता है, जैसे हमने ड्यूरिंग द गेम की बात की है, लेकिन कई बार होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, पूरे गेम में अच्छा नहीं रहा, ऐसे में खिलाड़ी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे अभी भी आपने बताया जी कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले लूंगा, अभी आपने जिक्र जी किया। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, हताश हो जाते हैं। कई बार तो ये भी होता है वो स्पोर्ट्स को ही करियर मान लेते हैं, यही जी मेरा करियर है और जी ये मुझे नहीं मिला तो मेरा जीवन ही खत्म हो गया, ऐसा सोच करके वो अपना आगे का जीवन फ्यूचर सब खराब कर देते हैं। जी तो ऐसे खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए? देखो, हमारी लाइफ के अंदर हमें हमेशा बैकअप प्लान रखना चाहिए। कभी भी अपने लाइफ के अंदर हताश नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अधिकार है वो कर्म क्षेत्र के ऊपर है, कर्म फल के ऊपर कभी भी हमारा अधिकार नहीं होता। अब हम कोई भी प्रैक्टिस, जब हम क्रिकेट खेले हैं, सचिन तेंदुलकर जी ने इतना अच्छा क्रिकेट खेला और आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, तो उन्होंने कभी ये फोकस नहीं किया कि मुझे भारत रत्न मिले या मुझे पद्मश्री मिले। ही जस्ट फोकस्ड ऑन हिज कर्मा। तो मैं ऐसे खिलाड़ियों को यही बोलना चाहूंगा कि आप दिल जी और जान से मेहनत करें, अपने जितने भी फैक्टर्स हैं जो खासकर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें। और जब भी मेडिटेशन में बैठें, मेडिटेशन में अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दें कि जो भी मेरी लाइफ के अंदर हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि उनका उमंग उत्साह बना रहेगा और वो दिल शिकस्त नहीं होंगे। एक और भी मुझे बात याद आ रही है कि जैसे प्लेयर जब भी परफॉर्म करने जाता है तो उसकी जो अपेक्षाएं बहुत लोगों की जुड़ी होती हैं, बहुत अच्छा ये परफॉर्म करे, लेकिन क्या होता है जब वो परफॉर्म नहीं करता तो वो ये सोच के बहुत ज्यादा हताश हो जाता है कि मैं अपने जो कोचेज हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो अपेक्षाएं थी मैं उनको फुलफिल नहीं कर पाया। जी ऐसे में ये भी होता है कि कोचेज हैं या फिर आपके घर परिवार वाले हैं वो भी कहते हैं कि देखो हमने तो आपसे इतनी अपेक्षा रखी थी लेकिन आप तो कुछ करके ही ना नहीं ला पाए। दोनों साइड से एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाता है, जी कैसे ओवरकम किया जाए? इसके लिए एक तो देखो, हाँ, प्रेशर को अगर हावी होने देना या नहीं होने देना ये हमारे इंडिविजुअल के ऊपर होता है। जी एक तो हमें पेरेंट्स को भी या हमारे जो कोचेज हैं वो इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन से ही पहले हमें प्लेयर को नहीं भेजना चाहिए कि आपको जीतना ही है मेडल। हमें उनको बोलना चाहिए कि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो जब भी हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि आप जानते हो कि खेल है, इसमें हार और जीत तो होनी है, एक पक्ष की जीत होगी तो दूसरे पक्ष की हार होगी। तो हमें वो अपने मन के अंदर ये चीज भी रखनी चाहिए कि मुझे अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और हम जब अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो भले क्रूशियल मैच होते हैं, मान लो 3 या 2 से हॉकी में हार गए, तो जब 3-2 से की मार्जिन से कोई हारता है तो पूरा देश कहता है नहीं, खेले तो बहुत अच्छे थे। तो जब पूरे देश ऐसा कहता है तो उस देश की हमारी शुभ भावना, शुभकामना हमारे साथ होती है। बिल्कुल तो हमें कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बजाय हमें एफर्ट्स ओरिएंटेड होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में बेस्ट से बेस्ट करना है, और ये नहीं तो मेरे अंदर ये बैकअप प्लान। तो बिल्कुल फिर उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दें
और साथ के साथ जब भी आपको लगे कि मन के अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो कोई एक टाइम निकाल के और साइलेंस में बैठ जाएं और साइलेंस में बैठ करके अपने आप से बातें करें जी। और बातें करें कि जैसे कि भाई आई हैव कम हियर, मैं अपने अच्छे से अच्छे प्ले करूंगा और मेरे अंदर जितनी भी ताकत है पूरी ताकत इसके अंदर लगा दूंगा, लेकिन मैं तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। क्योंकि जब हम अपने आप को थॉट्स देते हैं तो हमारी इंटरनल प्रोग्रामिंग हो जाती है और वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो बहुत जरूरी है जी। सो इसमें अगर एक खिलाड़ी जब जा रहा है, जब खेलने के लिए जा रहा है, तो उसको क्या क्या मेंटल प्रिपरेशन करनी चाहिए कि उस पर, ये जो आपने बताई है कि तनाव नहीं हावी होना चाहिए, ये सब जो चीजें, लेकिन मैच जब वो खेलने जा रहा है, एक मैदान में उतरने जा रहा है, तब मेंटल प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? इसमें केवल एक ही पॉइंट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे आपका मैच है तो आपने रात को रेस्ट के लिए कितना, किस समय आप रेस्ट पे गए, तो टाइमली रेस्ट पे जाना बहुत जरूरी है। जैसे 9:30 टू 10 ओ क्लॉक आप अपना चले जाएं रेस्ट पे। रेस्ट करने से पहले ही हम 1 to 10 मिनट जो भी आपकी कैपेसिटी है वो उस समय उतना मेडिटेशन करके सोएं। तो क्या होता है कि जब हमारी गहरी नींद होती है तो इससे हमें तनाव कम होता है, नींद का बहुत इफेक्ट है। तो रात को हम टाइम से सोएं और सुबह उठने के बाद फिर से मेडिटेशन करें। आप जब भी उठते हैं कोशिश करके सनराइज से पहले तो उठना ही चाहिए हर खिलाड़ी को जी, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है एयर के अंदर और पॉल्यूशन फ्री होता है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह एक वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं जिनको हम कैच कर लेते हैं और हमें वो ध्यान करने में बड़ी मदद मिलती है उन चीजों की। तो मॉर्निंग का टाइम हम जरूर ध्यान रखें। सनराइज जब होता है तो उस समय 10 सेकंड्स के करीब हम उसको देखें, सनराइज को, सनराइज को, और फिर अपना गेम का प्लानिंग करें। और गेम का प्लानिंग करने से पहले अपना भोजन का भी ध्यान रखें कि आप जिस एरिया में जा रहे हो क्या आपके टेस्ट का फूड वहां है या नहीं, नहीं तो इससे भी हमारी मतलब नर्वस हो जाते हैं, अननेसेसरी का तनाव हो जाता है और आप भूखे रहेंगे तो नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस पर असर आएगा जी। उसके अलावा जब भी आप इवेंट में जा रहे हैं तो टाइम से पहुंचे। मतलब ऐसा एक बार साइना नेहवाल के साथ हुआ था कि उनको एक मैच में जाना था तो एक बस थी जो लगभग इवनिंग में ही वो बस उनसे छूट गई, जो दूसरी बस थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंची और शी कुड नॉट वार्म अप। सीधा जाते ही अपना फटाफट ड्रेस चेंज किया और मैच में गए एंड अपने से लो रैंकिंग प्लेयर से शी लॉस्ट। तो हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना चाहिए, टाइम से मैं जाऊं और टाइम के बाद थोड़ा मतलब साइलेंस में अपने गेम के बारे में अपने आप से बातें करें और पूरा फोकस करें, बेस्ट रिजल्ट आए। मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है कि जैसे जब हम गेम खेल रहे हैं, एक तो होगा कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, गेम के दौरान की बात कर रही हूँ, मैं अगर परफॉर्म ठीक नहीं कर रहा तो टीम प्लेयर्स की ही तरफ से मुझे तनाव आने लग जाती है क्योंकि वो कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा बोल रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। ऐसे में मैं फिर कैसे अपने आप को हैंडल करूं? उसके लिए तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी टीम गेम्स हैं उनमें एक तो कलेक्टिव मेडिटेशन का उनको अभ्यास कराना चाहिए और उन लोगों की आपस में वर्कशॉप या मीटिंग्स वगैरह करनी चाहिए कि हम गेम में खेलने जा रहे हैं तो सबको बैठ करके जो भी हमारे कैप्टन हैं, कोचेज हैं या मैनेजर हैं तो वो उनको एक ब्रीफिंग करें। वैसे तो सभी करते ही हैं लेकिन अगर उनको लगता है कि भाई कुछ ऐसा मनमुटाव वाली बातें हैं या ग्रुपिज्म है तो उनको थोड़ा मोटिवेशनल टॉक दे करके तो उनका उमंग उत्साह बढ़ाएं और उनके मन में जो ग्रजेज हैं एक दूसरे के प्रति तो उनको कहें कि भाई हम देश के लिए खेलने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो हम वो चीजें भूल जाएं और अपनी पूरी ताकत से इस टीम इवेंट के अंदर भाग लेंगे एंड वी विल डू आवर बेस्ट और एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट रखें। राइट। तो भाई साहब आपने आज भी इतनी बेहतरीन टिप्स दी हैं और मुझे उम्मीद है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन इस एपिसोड को वॉच कर रहे होंगे बहुत कुछ उनको प्रेरणाएं मिली होंगी। तो आज के डिस्कशन के लिए मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।